रेवाड़ी शाहजहांपुर रोड का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। किसान आंदोलन के कारण भारी वाहनों के निकलने से जर्जर हुई थी सड़क। लोगों ने जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की। रेवाड़ी में किसान आंदोलन के दौरान जर्जर हुई सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक किसानों का आंदोलन चला था, जिसमें जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे को किसानों ने जाम किया हुआ था, जिसके चलते हैवी ट्रैफिक को शाहजहांपुर रेवाड़ी से डाइवर्ट किया गया था। इस दौरान भारी वाहनों का इस सड़क पर इतना अधिक दबाव था कि सड़क सारी गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिस कारण यहां धूल मिट्टी और बड़े बड़े गड्ढे के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। स्थानीय ग्रामीण भी एक साल परेशान होते रहे। सरकार और प्रशासन से भारी वाहनों यहां से रोकने के लिए वह लगाते रहे, लेकिन अब आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार प्रशासन द्वारा टूटी हुई सड़कों के लिए टेंडर किए गए और रेवाड़ी शाहजहांपुर रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि रेवाड़ी से शाहजहांपुर तक 25 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग पर दो दर्जन से अधिक गांव आते हैं। जर्जर और टूटी हुई सड़कों के कारण यहां आए दिन हादसे होते रहते थे। ग्रामीण भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों, ग्रामीणों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। नाम नरेंद्र सिंह है, सड़क बढ़ने से सुविधा पूरी हो जाएगी। बढ़िया, ये तो बहुत दुखी पा रहे हैं लोग बाग। पूरी गड्ढा अंदर जा रही है। ये पहले सारा टूटा हुआ था, अब ये रोड ये पहाड़ और दिया, धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा। इसको जल्दी जल्दी बनाया जाए। काम तो शुरू कर है पर काम बहुत ढीला चल रहा है। रेवाड़ी से शाहजहांपुर तक बनेगी बॉर्डर तक। ये रोड बड़े बड़े लोडिंग ट्रक आए थे यहाँ का किसान आंदोलन, उससे की वजह से टूटे थे। बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। ये पहाड़ के वो इकट्ठे करे हैं, वहीं उसको फिर यूज करेंगे इसी में। ये पहले 7 मीटर की सड़क थी जी, अब ये 10 मीटर की बनने जा रही है। ठीक है, ये अपना रेवाड़ी जो आरओबी बन रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए, और जो हरियाणा का बॉर्डर है शाहजहांपुर बॉर्डर से पहले वहाँ तक बनना है। टेंडर अमाउंट तो एक्चुअल मेरे को नहीं पता, ये तो PWD DNR का है, HSIDC से अलॉट किया हुआ है। ये दफ्तर में आपको पता चल जाएगा, एक्चुअल साथ बैठते हैं वहाँ पर, उनसे पता चल जाएगा। ये अपना टोटल 21 किलोमीटर का चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जोर शोर से काम चल रहा है। ये अगले 6 महीने में तैयार करने का है। वैसे 1.5 महीने का है टाइम पीरियड तो, लेकिन इसको आप 6 महीने 7 महीने में तैयार कर देंगे। हाँ रोड की जो है 7 मीटर से 10 मीटर हो जाएगा। ये पहले 7 मीटर का था, 10 मीटर का हो जाएगा। दोनों तरफ 5-5 फुट ले रहे हैं। जी मेरा नाम है जितेंद्र। ये सड़क बनने के बाद बहुत सुविधा हो जाएगी। इस बनने से पहले इसमें गड्ढे थे, गड्ढे लोग परेशान होते थे। जिनके सड़क के पास घर हैं वो ज़्यादा दुखी थे, उनके धूल मिट्टी उनके अंदर जाती थी। तो काम शुरू हुआ है, ये रेवाड़ी से शाहजहांपुर तक बन रही है बॉर्डर तक। ये एक महीना हो चुका है इसमें बनते हुए, तभी से रोड ही पड़ी है, अभी तक अभी से कंप्लीट हुई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, परेशानी कम हो जाएगी। इसके किसान आंदोलन की वजह से ये जो ट्रैफिक सारे यहाँ से निकले थे, तो इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ जी सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, सुविधा हो जाएगी।